नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज के वीडियो हम बताने वाले हैं, अगर आप भी किसी बैंक में खाता खुलवाए हैं तो आज आपका अकाउंट चालू है या बंद, उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से बहुत ही आसान तरीका से। गाइज गाइज वीडियो कैसे स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। सबसे पहले गाइज आपको करना कि अपने फोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर अपना क्रोम ब्राउजर खोल लें। जैसे क्रोम ब्राउजर खोलेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, सर्च, गूगल सर्च। यहाँ पे आपको UIDAI सर्च कर देना है इसे लिख करके। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे पहले वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे करना क्या है, आपको अपना लैंग्वेज चूज कर लेना है। चलिए यहाँ से हम अपना लैंग्वेज चूज कर लेते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे अगर प्रोसेस हो जाएंगे आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऐड आ रहा है इसको कट कर देना है। जैसे कट करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे गेट आधार में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे चेक आधार स्टेटस। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन वाले एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लॉगिन आपको कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे जो आपको पता चल जाएगा आपके आपका बैंक अकाउंट बंद है या चालू। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आधार अपना आधार नंबर डाल देना है फटाफट यहाँ से। इस तरह से आपको आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे सही से जो कैप्चा वही आपको डालना है। इस तरह से कैप्चा डाल देना है। यहाँ पे सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको OTP आ जाएंगे, यहाँ पे आपको OTP दे देना है। इस तरह से OTP दे करके आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे करना क्या है गाइज, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे बैंक सेडिंग स्टेटस। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए मेरा इस आधार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, यहाँ पे देखिए एक्टिव हमको देखने को मिल रहा है। इसी तरह आप भी चेक कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका।